हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स एंड हैप्पी वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे हर साल मनाया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि वैलेंटाइन डे मनाने की परंपरा कहां से आई? ये इतना लोकप्रिय क्यों बन गया? क्या ये हमेशा प्यार और अच्छी भावना के बारे में था? तो चलिए जानते हैं वैलेंटाइन डे से जुड़ी एक छोटी सी कहानी। ऑरिया ऑफ जैकोबस डी वोराजिन, इस किताब में हमें सेंट वैलेंटाइन का जिक्र मिलता है। इस किताब के अनुसार रोम में तीसरी शताब्दी में सम्राट क्लॉडियस का शासन था। उन्हें अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए बड़ी सेना की जरूरत थी। उनका मानना था कि विवाह करने से पुरुषों की शक्ति और बुद्धि कम हो जाती है। शक्ति का तो पता नहीं, पर हाँ, बुद्धि जरूर कम हो जाती है। खैर, उन्होंने आदेश जारी किया कि उनका कोई भी सैनिक या अधिकारी शादी नहीं करेगा। सेंट वैलेंटाइन ने इस क्रूर आदेश का विरोध किया। उन्हीं के आवाहन पर अनेक सैनिकों और अधिकारियों ने भी शादी कर ली। बिशप वैलेंटाइन ने भी क्लॉडियस की इच्छा के खिलाफ जाकर गुप्त रूप से शादी कर ली। इस अपराध के लिए वैलेंटाइन को जेल भेज दिया गया। जेल में रहते हुए उन्होंने जेलर की नेत्रहीन बेटी जैकोबस को नेत्रदान किया। उन्होंने जैकोबस को एक पत्र लिखा, जिसके अंत में उन्होंने लिखा था, तुम्हारा वैलेंटाइन। आखिर क्लॉडियस ने 14 फरवरी के दिन ही सेंट वैलेंटाइन को फांसी पर चढ़ा दिया, और तभी से उनकी याद में इस दिन को निस्वार्थ प्रेम का संदेश फैलाने के लिए मनाया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं वैलेंटाइन डे से जुड़ी 25 रोचक बातें। इन्हें सुनाकर आप अपनी गर्लफ्रेंड को भी इंप्रेस कर सकते हैं। हर साल वैलेंटाइन डे पर हार्ट के आकार के चॉकलेट कम से कम 36 मिलियन बेचे जाते हैं। देखा गया है कि इस दिन पर महिलाओं की तुलना में पुरुष वैलेंटाइन डे उपहारों पर दुगनी राशि खर्च करते हैं। वैलेंटाइन डे पर हर साल इतनी कैंडी बनाई जाती है कि एरिजोना से रोम, इटली और वापस एरिजोना तक आ जाया सकता है। इन दिल के आकार वाली कैंडी का उत्पादन लगभग 8 बिलियन है। विश्व भर में वैलेंटाइन डे पर लगभग 50 मिलियन गुलाब के फूल दिए जाते हैं। वैलेंटाइन डे पर महिलाओं के लिए लगभग 85% कार्ड बेचे जाते हैं, और बेचारे जेंट्स के लिए सिर्फ 15%। क्रिसमस के बाद ग्रीटिंग कार्ड भेजने के मामले में वैलेंटाइन डे वर्ष का दूसरा सबसे बड़ा दिन है। अकेले अमेरिका में हर साल लगभग 1 अरब वैलेंटाइन डे कार्ड का आदान प्रदान होता है। वैलेंटाइन डे पर फूल खरीदने वालों में केवल 27% महिलाएं होती है, और बाकी 73% पुरुष फूल खरीदते हैं। वैसे भी महिलाएं पैसे सोच समझ कर ही खर्च करती है। हर वैलेंटाइन डे पर इटली के वेरोना शहर में करीब 1000 के आसपास पत्र आते हैं। ये पत्र जूलियट के पत्ते पर भेजे जाते हैं। ये वो जगह है जहां रोमियो और जूलियट रहते थे। 19वीं सदी के अंत में रिचर्ड कैडबरी ने पहले वैलेंटाइन डे कैंडी बॉक्स का आविष्कार किया। सन 1876 में वैलेंटाइन डे पर ही अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने अपने टेलीफोन पेटेंट के लिए एप्लीकेशन किया था। वैलेंटाइन डे पर देखा जाने वाला क्यूपिड शुक्र का बेटा है, और शुक्र सौंदर्य और प्रेम के देवता है। लगभग 15% महिलाएं वैलेंटाइन डे पर खुद को ही फूल भेज देती है। 9 मिलियन लोग वैलेंटाइन डे पर अपने पालतू जानवर के लिए भी उपहार खरीदते हैं। मध्य युग में एक अंधविश्वास था कि यदि आप सिंगल हैं और वैलेंटाइन डे पर किसी भिन्न लिंग वाले व्यक्ति को सबसे पहले देखते हैं तो आप उससे शादी कर सकते हैं। पेनिसिलिन की शुरुआत 14 फरवरी 1929 को हुई थी। सेंट वैलेंटाइन के दफन होने के बाद जेलर की बेटी जूलिया ने उनकी कब्र के पास एक बादाम के पेड़ के साथ गुलाब का भी फूल लगाया था। बादाम के पेड़ को आज भी स्थायी फ्रेंडशिप और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। विक्टोरियन समय में वैलेंटाइन डे कार्ड पर हस्ताक्षर करना दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता था।
याद रहे, ये वैलेंटाइन डे आपकी शादी का पहला कदम भी हो सकता है। हर वर्ष वैलेंटाइन डे पर करीब 2,00,000 शादी के प्रस्ताव आते हैं। वैलेंटाइन डे को सिंगल्स अपनी छुट्टी मनाने के विकल्प के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। फिनलैंड में वैलेंटाइन डे को फ्रेंडशिप डे के रूप में जाना जाता है। मध्य युग में युवतियां इस दिन विचित्र खाना खाती थी ताकि उनको अपने सपने के अनुसार पति मिल सके। इंग्लैंड के किंग हेनरी 7th ने 14 फरवरी को सेंट वैलेंटाइन डे की छुट्टी पहली बार घोषित की। लाल गुलाब को प्रेम का फूल माना जाता है क्योंकि लाल रंग मजबूत रोमांटिक भावना का प्रतीक है। और दोस्तों, यदि आप अकेले हैं तो निराश मत होइए, क्योंकि आप भी इस दिन को सैड दिन मना सकते हैं। सैड मतलब सिंगल्स अवेयरनेस डे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अंत में हैप्पी वैलेंटाइन डे।